आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। ये कौन है? कबाब में हड्डी। आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी। हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है, बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका। जी हाँ, आज जिक्र है अभिनेता मोतीलाल का। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी। देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं। इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। क्या काम करते हो? बेकार। नौकरी चाहते हो? मुझे नौकरी मिलेगी। इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना। जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी।
मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दिल। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दिल। जलता है। सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा। सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए। मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 जिधर निगाह उठा के देखिए चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको। अच्छा जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था। आपका आइडिया? ऑफ कोर्स। टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज। पास। क्या मैं देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर। कौन शर्मा? अरे भाई वो तुम्हारे डीटीएस। आपका मतलब वर्मा जी से है? वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 125 रुपए। 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता? 50 रुपए। 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रामप्रसाद। रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सन 1954 में एचएस रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना। झूम झूम के दो दीवाने गाते जाएं गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। दुनिया वालों पड़ 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 गरी 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 सन सन सरी गरी गम पम पड़ पा। दुनिया वालों ये दुनिया है बस्ती किसके बाप की, आज अगर है कल ना होगी, यहाँ जरूरत आपकी, यहाँ जरूरत आपकी। झूम झूम के दो दीवाने गाते जाएं गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास। अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते। क्या खबरें? खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे? भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं? ये भी कुछ तय नहीं किया। मकसद? जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू। तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो। मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू। किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा। अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे। तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है। और कोई चारा नहीं। सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल
किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं। सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे। आजी इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ये क्या गाना पूछी हो रही तुम घर में? कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है? जी मुझे आशा ने बताया। आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है? जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना। हाँ डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ? सॉरी। हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है। हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा? मुझे आशा ने बताया। सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म पैगाम में। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा,
यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। सन 1964 में फिल्म लीडर में भी मोतीलाल और दिलीप कुमार एक साथ थे। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में कसक सी साठ, बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय। ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से? तुम्हारे ही काम के लिए गया था मन। मेरा काम? हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है। डर लगने लगता है क्यों माँ? कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है। माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है। सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात माने की मानू या बात सुनू अपनी दिल, कुछ और जमाना कहता है। ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था। आखिरी वक्त में कोई उनके साथ नहीं था, अभिनेत्री नादिरा ने उनका अंतिम संस्कार करवाया था।
चल पड़े दर्द पी कर, तो चलते रहे हार कर बैठ जाने से इनकार था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।